समस्याओं के हर पहलू को छूने निकली एबीपीएस न्यूज की टीम अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए जैतपुर पट्टी गांव पहुंची। इस गांव की जिला मुरादाबाद से दूरी 19 किलोमीटर है तो ब्लॉक से इस गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। वर्तमान में इस गांव में प्रधान मुंजरीन का कार्यकाल चल रहा है। लगभग 2829 की जनसंख्या वाला यह गाँव स्मर्द दिखता है, जहाँ पंचायत भवन से लेकर जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है। इस गाँव में खम्भों पर लाइट से लेकर सोलर लाइट तक दिखी। गाँव में सीसी टाइल सड़कें हैं तो सीमेंट सड़कें भी दिखी। अगर गांव का आकलन करा जाए तो यह औसत स्तर पर बेहतर स्थिति में नजर आया। इस गांव में शौचालय भी काफी संख्या में बने हैं, जिसमें ओडीएफ योजना के तहत यह गांव शौचमुक्त होने जा रहा है। गांव निवासी प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं और औसत स्तर पर खुश दिखे। और मैं जैतपुर पट्टी का रहने वाला हूँ। हम जो है जो हमारे प्रधान जी हैं दिलशाद हुसैन अंसारी साहब, इनसे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे गांव में आज से पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ जितना कि अब विकास हो रहा है। और जितना भी पैसा आ रहा है गांव के लिए, सारा ही पैसा हुआ प्रधान जी बहुत हिसाब से, जगह जगह जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से लगा रहे हैं। और कभी काफ़ी रास्ते इन्होंने जो यहाँ के बनवा दिए। और सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर जो है पहले लोग बाहर लैट्रिन करने जाते थे, इससे गांव में जो है बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। अब इससे हमारा गांव जो है सोच से बिल्कुल मुक्त हो गया, मतलब घर घर लैट्रिन बना दी है प्रधान जी ने। ये बहुत ही अच्छी जो है योजना पर काम किया है इस पर, और जो है बहुत गांव में जो है बहुत सफाई रहने लगी है। वहीं ग्राम प्रधान ने अपने कराए सारे कार्य टीम को गिनाए और फंड में बढ़ोतरी होने पर विकास की लहर आने की बात भी कही। मैं प्रधानपति दिलशाद हुसैन, ग्राम जैतपुर पट्टी, ब्लॉक पुंदरखी, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद। जो विकास कार्य कराया है, सड़कें बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं, विधवा पेंशन बनवाई हैं, विकलांग पेंशन बनवाई हैं, वृद्ध पेंशन बनवाई हैं, और क्या नाम है, और भी बहुत से विकास कराए हैं। नालियों की मरम्मत कराई है, स्लिप डलवाए हैं, और भी विकास कराना चाहते हैं, लेकिन पैसा कम आने की वजह से विकास कार्य में थोड़ी सी कमी आ रही है, तेज़ी नहीं पकड़ पा रहे हैं विकास कार्य। अपने क्षेत्र में अपने गांव को हम तो ये चाहते हैं कि हमारा गांव चमक जाए विकास की तरफ से। सारे ही काम, रास्ते पक्के हो जाएं, नालियाँ पक्की हो जाएं, नालों का निर्माण हो जाए, स्कूल की व्यवस्था बढ़िया हो जाए, पानी की निकासी का रास्ता बढ़िया हो जाए, जिससे हमें कोई परेशानी ना आए,